10th NCERT एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ हॉलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द हेमीस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल, वेसल मतलब बर्तन, 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सर्फेस एरिया ऑफ द वेसल, जो वेसल है ना बर्तन की, जो इनर सर्फेस एरिया वो बतानी है। तो मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ। हमारे पास सबसे पहले क्या है ना, एक होलो, क्या बोला, होलो हेमीस्फीयर है, ये होलो हेमीस्फीयर है, ठीक है। मैं फिर से बनाता हूँ, ये देखो एक होलो हेमीस्फीयर है, ये अंदर से क्या है बेटा, खोखला है। इसके ऊपर क्या है, होलो हेमीस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर, इसी के ऊपर माउंटेड, माउंटेड मतलब जब बोलेगा ना इसका मतलब है, इसी के ऊपर एक क्या रखा पड़ा, सिलेंडर रखा पड़ा होलो। ये माउंटेड वर्ड का मतलब समझ जाइए, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। माउंटेड का मतलब अगर किसी चीज़ पे कोई माउंट कर रहे हो ना, तो उसका जो रेडियस होगा और उसका उस ऊपर वाले चीज़ का जो रेडियस होगा वो बिल्कुल सेम होगा, अदरवाइज ये चीज़ नीचे गिर जाएगी, ठीक है। तो जैसे ये हेमीस्फीयर है और इसके ऊपर ये सिलेंडर रखा है, तो इन दोनों की रेडियस सेम होगी बिकॉज ऑफ दिस वर्ड माउंटेड, ठीक है। सो देखो बेटा, जो रेडियस होगी दोनों की वो कॉमन होगी आर, ठीक है। ये भी हमारा रेडियस है आर, ये हमारी क्या है, इसकी हाइट है, और ये भी हम, ये हमारा क्या है, रेडियस है किसका, सिलेंडर का। टोटल हाइट जो हमें दे रखी है वेसल की, वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके। सो देखो बेटा, अगर आपको एच निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एच निकालना है ना, तो आपको क्या करना है बेटा, आपको टोटल हाइट में से यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इतनी हाइट माइनस करनी पड़ेगी। और हमें एक चीज़ दे रखा है कि जो हेमीस्फीयर का डायमीटर है, डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर विच इज़ 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 7 है। तो हाइट कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 13 माइनस 7 यानी कि 6, ठीक है। तो कैसे करके लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे गिवन करके, गिवन डायमीटर ऑफ हेमीस्फीयर, ठीक है, वो कितना दे रखा है हमें, डी इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस, सॉरी वो कितना होगा, डी बाई टू यानी कि 14/2, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7 विच इज 6 सेंटीमीटर, ओके। एंड रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, वो भी आर हो जाएगा, वो कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या निकालना है बेटा, हमें निकालना है इनर सरफेस एरिया, या फिर ऐसे लिखो इनर बोला है ना, टोटल नहीं बोला, इनर सरफेस बोला यानी कि सी एस से मतलब है, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है आपको, ठीक है। वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी आस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर प्लस एरिया बोले तो यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात होगी, एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। अब देखो बेटा, जो फॉर्मूला होता है हेमीस्फीयर का वो होता है 2πr² और एरिया ऑफ सिलेंडर का जो होता है वो होता है 2πrh, ठीक है। सो देखो 2πr कॉमन है, यहाँ से r और यहाँ से h बचा, ठीक है। बाकी की जो कैलकुलेशन हम ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू पुट अप करो, 2π की वैल्यू 22/7, जब तक बोला ना जाए 22/7 यूज़ करते हैं, r की वैल्यू 7 है, ठीक है, फिर 7 और हाइट की वैल्यू कितनी है, 6, 7 से 7 कैंसिल, 22 × 2 यानी हो जाओ 44, और 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13, 13 × 52 कैरी 5, 13 × 52 और 5 57, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर,
ये आपका क्या जाएगा बच्चों, आंसर। तो ये जो वेसल है, जो बर्तन है, इसका जो इनर सरफेस एरिया होगा वो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई डाउट या दिक्कत हो वीडियो को एक बार दोबारा देखें।